गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग इस एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं जिससे जर्नल बनाना है एंड देन लेजर बनाना है। तो हम लोगों ने जर्नल कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोगों ने समझ रखा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इस क्वेश्चन के दो ट्रांजेक्शन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि कैसे हम पोस्टिंग करते हैं। तो आइए सबसे पहले उस वीडियो को देख लेते हैं। हाउ टू पोस्ट जर्नल टू लेजर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आई होप कि आपको जर्नल एंट्रीज फॉर्म करना आता है। इस क्वेश्चन में एंट्री से केवल हम लेजर बनाना ही सीखेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन का एंट्री जो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आइए सबसे पहले लेजर का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। टोटल 8 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, 4 कॉलम पर डेबिट साइड एंड 4 कॉलम फॉर क्रेडिट साइड। एंट्री के जो दो साइड हैं कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो इसलिए हमें दो लेजर प्रिपेयर करने होंगे, एक कैश अकाउंट के लिए और दूसरा कैपिटल अकाउंट के लिए। एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट है, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट में हम अपोजिट साइड का अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट को पोस्ट करेंगे। सेम लाइक जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में अपोजिट साइड का अकाउंट कैश अकाउंट हम पोस्ट करेंगे। नाउ लेजर की पोस्टिंग के लैंग्वेज को कैसे पढ़ते हैं आइए उसको समझते हैं। टू कैपिटल का अर्थ है कैपिटल से, तो हम पढ़ेंगे कैपिटल से कैश अकाउंट डेबिट हुआ। यहां कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और डेबिट के लिए रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। मीनिंग जो निकल कर सामने आएगा, बिजनेस में कैपिटल से कैश आया। सेम लाइक कैपिटल अकाउंट में बाई कैश का अर्थ है कैश के द्वारा, इसको पढ़ेंगे कैश के द्वारा कैपिटल क्रेडिट हुआ। कैपिटल अकाउंट बिजनेसमैन के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, तो क्रेडिट के लिए रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर। मीनिंग जो निकल कर सामने आएगा, बिजनेसमैन ने कैश के द्वारा बिजनेस को कैपिटल दिया। आइए एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं, बॉट गुड्स फॉर कैश। इसका जो एंट्री हम बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टोटल की 8 कॉलम का लेजर हम अगेन प्रिपेयर करेंगे, एक परचेज अकाउंट के लिए और दूसरा कैश अकाउंट के लिए। परचेज अकाउंट डेबिट है, तो परचेज के डेबिट साइड में हम अपोजिट साइड का अकाउंट टू कैश अकाउंट को पोस्ट करेंगे। कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में है, तो इस बार कैश के क्रेडिट में हम अपोजिट साइड का अकाउंट परचेज अकाउंट को पोस्ट करेंगे, बाई परचेज अकाउंट। टू कैश का अर्थ है कैश अकाउंट से, तो रीड करेंगे हम कैश अकाउंट से परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। परचेज गुड्स यहां रियल अकाउंट है और डेबिट है, तो रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। मीनिंग जो निकल कर आएगा, बिजनेस में कैश से गुड्स आया। बाय परचेज का अर्थ है परचेज के द्वारा, रीड करेंगे परचेज अकाउंट के द्वारा कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। कैश अकाउंट यहां रियल अकाउंट है एंड क्रेडिट है, इसलिए रूल लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मीनिंग जो निकल कर सामने आएगा, गुड्स परचेज के द्वारा बिजनेस से कैश गया,
तो इस तरीके से आपको जर्नल से लेजर में पोस्ट करना आना चाहिए। अकाउंटिंग आपके लिए समझ पाना तभी सार्थक होगा जब आप उसके लैंग्वेज को समझेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया है। इस क्वेश्चन से मैंने ऑलरेडी जर्नल प्रिपेयर कर रखे हैं जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। केवल एंट्री से हम लोग लेजर में पोस्टिंग करना सीखेंगे। आप लोग के लिए अकाउंट्स मैंने ऑलरेडी इसके फॉर्मेट को तैयार कर रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री है 1 अप्रैल की डेट में। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख एंड 1 लाख। तो आइए इसको करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू कैपिटल। टू कैपिटल और सेम लाइक हम लोग कैपिटल अकाउंट में भी लिखेंगे बाय कैश। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस पेज पे तो परचेज अकाउंट का यहां पर है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट है तो परचेज के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश। सेम लाइक हम लोग कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेज। नेक्स्ट एंट्री है 3 तारीख के डेट में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस पेज पे तो बैंक अकाउंट नहीं है। यहां है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू कैश। टू कैश। और कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में अब हमें लिखना होगा। कैश की क्रेडिट में लिखेंगे 3 तारीख का डेट है बाई बैंक। सेम लाइक अगला ट्रांजेक्शन अगला एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स। 4 तारीख का डेट है टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 40,000। और सेम लाइक सेल्स के क्रेडिट में लिखेंगे कैश।
नेक्स्ट एंट्री है 7 तारीख के डेट में, परचेज अकाउंट डेबिट टू सूर्या। तो चलिए करते हैं, परचेज डेबिट है तो परचेज के डेबिट में हमने लिखे, हम लिखेंगे टू सूर्या। और सूर्या अकाउंट क्रेडिट है तो सूर्या के क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेज। तो सूर्या तो इस पेज पे नहीं है, अगले पेज पे चलते हैं। बाय परचेज, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10 तारीख के डेट में, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो राकेश अकाउंट डेबिट है तो यह हमारे पास राकेश का यहीं पे अकाउंट है, तो राकेश अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू सेल्स 10 तारीख के डेट में। टू सेल्स, और सेल्स के क्रेडिट में लिखेंगे बाई राकेश। तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 15 तारीख के डेट में, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए यहां पर तो हमारे पास बैंक न ही बैंक है न ही प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है, यहां पर बैंक का अकाउंट है। तो आइए सबसे पहले बैंक के अकाउंट में पोस्ट करते हैं एंट्री को। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू बैंक, तो बैंक क्रेडिट है तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी। और सेम प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैंक। यहां है प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, टू बैंक। नेक्स्ट है 19 तारीख की डेट में, सूर्या डेबिट टू कैश। चलिए इसको करते हैं, सूर्या डेबिट है तो सूर्या के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश। डेट है 19/4, अमाउंट है 10,000। और सेम कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाई सूर्या।
बाई सूर्या। नेक्स्ट 21 तारीख के डेट में ट्रांजेक्शन है बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल सलून अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे अनिल सलून। डेट है 21/4 और सेम अनिल के अकाउंट में बाई बैंक। नेक्स्ट एंट्री है सूर्या डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड को हम परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं, आइए इसको करते हैं। सूर्या डेबिट है तो सूर्या के डेबिट में डेट है 23/4 टू परचेज रिटर्न, अमाउंट है 1000 और सेम परचेज रिटर्न के भी क्रेडिट साइड में जाएगा। तेईस चार बाई सूर्या अकाउंट 1000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट एंट्री है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ड्रॉइंग के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक। ड्रॉइंग अकाउंट के डेबिट में 26/4 ड्रॉइंग के डेबिट में टू बैंक। और सेम बैंक के क्रेडिट में हम बाई ड्रॉइंग करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है 27 तारीख के डेट में सूर्या डेबिट टू बैंक। तो सूर्या के अकाउंट में डेबिट करेंगे टू बैंक। और सेम लाइक बैंक के क्रेडिट में बाई सूर्या। नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश। तो राकेश का हमारे पास यहां पर अकाउंट है तो राकेश के क्रेडिट में हम बाई कैश कर लेते हैं। यहीं पर बाई कैश 10,000 और डेट है 29 तारीख का। और अब चलते हैं कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में टू राकेश 29/4 के डेट में टू राकेश।
नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी डेबिट टू कैश, तो टू कैश हमारे पास यहीं पर है, तो बाय स्टेशनरी पहले कर लेते हैं, बाय स्टेशनरी अमाउंट है 200 और डेट है 30 तारीख। अब चलते हैं स्टेशनरी के अकाउंट में, स्टेशनरी के अकाउंट में डेबिट है तो 30 तारीख का डेट है, टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है लास्ट एंट्री वेजेज एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेजेज एंड सैलरी हमारे पास यहां पर है, इसके डेबिट में टू कैश लिखेंगे। तो सारी एंट्रियां हम लोगों ने पोस्ट कर लिया है, अब हमें बैलेंस निकालना है। ठीक है, हर एक अकाउंट का अब हम बैलेंस निकालेंगे, किसका कितना बैलेंस आया। तो बैलेंस कैसे निकालते हैं आइए उसको समझते हैं। डेबिट के टोटल को हम प्लस करेंगे और क्रेडिट के भी टोटल को हम प्लस करेंगे। ठीक है, जिस साइड बैलेंस कम होगा उसी साइड का उसी साइड में हम टू बैलेंस या फिर बाय बैलेंस लिखते हैं। जैसे कैश अकाउंट में डेबिट साइड का बैलेंस है 150,000, ठीक है, तो 150,000 है और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है इससे ये ज्यादा है, और कितना ज्यादा है उसके डिफरेंस को, ठीक है, यानी कि 150,000 से जो भी बैलेंस क्रेडिट साइड का आएगा उसको घटाने के बाद जो आएगा बैलेंस, अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा होगा तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी 49,300, यानी कि क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, कितने से 49,300 से, तो जब हम 49,300 बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड का बैलेंस इक्वल हो जाएगा। टैली करा देंगे हम 150,000 एंड 150,000। जिस साइड बैलेंस कम होगा उसी साइड हमें बैलेंस सीडी लिखना है, ठीक है, अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होता तो अब हमें डेबिट साइड लिखना होता। चलिए अब नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है बाय कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में 1,00,000 और डेबिट साइड में कोई बैलेंस नहीं है, यानी कि 1,00,000 डेबिट साइड का बैलेंस कम है, तो हम क्या करेंगे डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी का मतलब होता है बैलेंस कैरिड डाउन 1,00,000, और इसको दोनों साइड टैली करा देंगे। आइए अब सेल्स अकाउंट का देखते हैं। सेल्स अकाउंट में है कैश 40,000 एंड राकेश के अकाउंट से 25,000, तो टोटल सेल कितना हुआ 65,000, और हमारे डेबिट साइड में कोई बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा डेबिट साइड का बैलेंस 65,000 से डिफिशियंसी है, कमी है,
तो इसको टैली कराएंगे टू बैलेंस सीडी लिखकर। अब आते हैं परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट में है 3500 एंड 30,000, टोटल कितना होगा 6500। और इतना ही से हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, तो यहां टैली करा देंगे बाय बैलेंस सीडी 6500। दोनों साइड इक्वल करेंगे 6500 एंड 6500। चलिए आइए नेक्स्ट अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट में देखेंगे, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में है 58,000 और क्रेडिट साइड का भी बैलेंस जोड़ेंगे। तो 29,600 समथिंग आएगा, तो 58,000 से 29,600 जब घटाएंगे तो बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी 28,400। टैली कराते हैं 58,000 एंड 58,000। सूर्या के अकाउंट में देखते हैं, सूर्या के अकाउंट का डेबिट में 30,000 सॉरी क्रेडिट में 30,000 और 30,000 से जब हम डेबिट साइड का अमाउंट घटाएंगे तो टोटल इसका डेबिट साइड के जो बैलेंस है 10,000 10 1 11,000 11 and 8 19,000। तो 19,000 और क्रेडिट साइड का है 30,000, तो 30,000 ज्यादा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो अमाउंट जो निकल कर आएगा टू बैलेंस सीडी 11,000। दोनों साइड टैली हो जाएगा 30,000 एंड 30,000। अनिल के अकाउंट का बैलेंस देखते हैं, टू बैंक से 8,000, तो 8,000 क्रेडिट में 8,000 है और डेबिट में कोई बैलेंस नहीं है, तो डेबिट साइड में हम सेम बैलेंस सीडी से 8,000 से टैली करा देंगे। दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया। राकेश के अकाउंट में है, सेल्स है 25,000 और कैश मिला है 10,000, तो कितना अभी हमें मिलना बाकी है राकेश से, तो 15,000 बाय बैलेंस सीडी 15,000। ये यहां डेट होगा 30/4। प्लांट एंड मशीनरी है जिसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में है 16,600, तो यही हमारा डेबिट साइड का बैलेंस है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में बैलेंस करेंगे 16,600। दोनों साइड टैली हो जाएगा यहां पर भी। बैलेंस हमेशा
आइदर मंथ के लास्ट में निकालते हैं या फिर ईयर के लास्ट में निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ के लास्ट में ही निकाल रहे हैं हम लोग 30 अप्रैल को, और यहाँ पर टू कैश अकाउंट है 200, तो लास्ट के मंथ में 34 को बाई बैलेंस सीडी 200, दोनों साइड हम इक्वल कराएंगे, परचेज रिटर्न में देखते हैं 1000 का क्रेडिट में है तो अब डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 1000, वेजेज एंड सैलरी में देखते हैं टू कैश में 10000, तो बाई बैलेंस सीडी निकल कर आएगा। जिस साइड का बैलेंस कम होगा उसी साइड हमें बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी लिखना है। ड्रॉइंग अकाउंट में टू बैंक अकाउंट 5000, तो 30/4/2013 बाई बैलेंस सीडी 5000, और इसको भी टैली करा देंगे। तो इस तरीके से आपको कुछ लेजर प्रिपेयर करने हैं। आई होप कि आपको लेजर की पोस्टिंग समझ में आई। नाउ अगर कोई पूछे हमसे कि कैश अकाउंट का क्या बैलेंस है, तो आप बताएंगे ये जो बाय बैलेंस सीडी का जो बैलेंस है यही हमारा कैश का बैलेंस है, यानी कि हमारे पास 49,300 रुपए अवेलेबल है कैश में। कैपिटल का क्या बैलेंस है, कितना कैपिटल लगा है, तो हम बताएंगे 1,00,000 रुपए कैपिटल लगा है टू बैलेंस सीडी से, बैलेंस सीडी हमें देखना है। सेल्स, इस बार का सेल्स कितना है, तो हम बताएंगे 65,000। परचेज कितने से हुआ है, कितने का परचेज है 6500, ठीक है। अगर कोई पूछे बैंक का कितना बैलेंस है, कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में है, तो यहां देखेंगे बाय बैलेंस सीडी 28,400। सूर्या का कितना बैलेंस है, सूर्या का बैलेंस है 11,000। कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। आया समझ में, जिस साइड का बैलेंस ज्यादा होता है, यहां पर सूर्या के अकाउंट में क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा था, तो बैलेंस जो निकल कर आएगा उसे हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस है। आया समझ में। मान लेते हैं अगर डेबिट साइड का बैलेंस कम है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, ठीक है, क्रेडिट साइड के सारे अमाउंट को जोड़ते हैं और डेबिट साइड के सारे अमाउंट को जोड़ते हैं, तो हमारे पास अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा निकल कर आया, लिख तो हम डेबिट की में रहे हैं, डेबिट साइड में कम पड़ा 11,000 से, तो टैली करने के लिए तो 11,000 टू बैलेंस सीडी लिख दिए, लेकिन बैलेंस ज्यादा किसका था, क्रेडिट साइड का, इसलिए कहेंगे बैलेंस जो है क्रेडिट साइड का है। आया समझ में। अनिल सलोन है, अनिल सलोन में बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस है 8,000 से, ठीक है, टू बैलेंस सीडी 8,000। राकेश का जो बैलेंस है वो है डेबिट बैलेंस कितने से, 15,000 से। सेम लाइक प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास कितने की है, तो 16,600 की, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी भी डेबिट बैलेंस हो कर रहा है। स्टेशनरी का बैलेंस कितना है, 200 डेबिट बैलेंस है अभी। परचेज रिटर्न कितने का इस बार रिटर्न हुआ, 1000 का।
वेजेज एंड सैलरी कितने का एक्सपेंस हुआ? 10,000 का। और इस बार ड्रॉइंग कितने से हुआ? तो 5,000 से। तो इस तरीके से आपको लेजर बैलेंसेस बताता है कि इस बार का कितना बैलेंस है, इस महीने का बैलेंस, चाहे 3 महीने का बैलेंस, चाहे 6 महीने का बैलेंस, चाहे साल भर का बैलेंस। इस तरीके से लेजर के थ्रू हम बैलेंसेस निकाल पाते हैं। तो आई होप कि आपको लेजर बनाना कुछ कुछ आया होगा। रेगुलर क्वेश्चंस लगाएंगे तो और भी क्लियरिटी आएगा। आज के लिए बस इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू।